सत श्री अकाल जी, स्वागत कर रहा तुहाडा साडी नवीं वीडियो दे विच। जिवें तुहानू पता ही, आपां हजूर साहब पहुँच गए सी पिछले दिन। कल कुछ तकनीकी कारण करके जिहड़ी अपनी उह वीडियो नहीं आ सकी, यूट्यूब ते थोड़ा जिहा इशू सी, सो अज वीडियो द्वारा बना के तुहाडे सन्मुख कर रहे हैं जी। अज दी वीडियो दे विच आपां तुहानू तख्त साहिब दे दर्शन करवावांगे। तो हुण आपां खड़े हां जी गुरद्वारा लंगर साहिब कोल। लंगर साहिब दा इतिहास नाल तख्त साहिब दा इतिहास आपां इस वीडियो दे विच सांझा करांगे। जदों भी पंजाब तों जिहड़ी संगत हैगी बाय ट्रेन आउंदी आ तां रेलवे स्टेशन तो गुरद्वारा साहिब दीआं जिहड़ियां बसां ने उन्हां नूं उत्थों पिक करन तों बाद इत्थे उतार दिंदियां ने। इत्थे ही सरां दा बंदोबस्त आ, तुहानूं सरां भी इत्थे ही रहण लई मिलदी है, चाहे हॉल होवे चाहे सरां होवे। फिर इत्थों संगत पैदल चल के ही, ज़्यादातर संगत तां पैदल चल के ही जाती है। इत्थों तकरीबन 200 तों 300 मीटर की दूरी पर गुरद्वारा साहिब सुशोभित है, दरबार साहब सुशोभित है, दर्शन करवावांगे। नाले आपां तुहानूं रस्ता दस्सांगे, नाल पावांगे आपां इतिहास की सांझ, किवें गुरु साहब जी ने उह स्थान प्रगट किया सी ते किस तों खरीदी सी उत्थे स्थान की जमीन, वह आप वीडियो के जाणांगे। सो जुड़े रहो वीडियो के नाल। जेकर चैनल नहीं किया सबसक्राइब तो चैनल में करो सबसक्राइब, वीडियो वध तों वध शेयर करो ताकि होरां तक यह वीडियो पहुँच सके। इतिहासिक वीडियो है, केवल इस वीडियो के गुरद्वारा लंगर साहिब तख्त श्री हजूर साहिब, हजूर साहिब क्यों कहा जाता है, नंदेड़ साहब क्यों कहा जाता, वो आप इस वीडियो के जाणांगे। नाल तुहानू आप उस चीज़ की पावांगे सां। चलो आप चलते हैं तख्त साहब वाले तो रवानगी लैके, जुड़े रहो वीडियो के नाल। यह सारा गुरद्वारा लंगर हाल साहब तो गुरद्वारा लंगर साहब तो हजूर साहब नूं सड़क जाती है जी, यह रोड जाता तो बाबा निधान सिंह जी की याद के गुरद्वारा साहब लंगर साहब बनया होया जी। तो बाबा निधान सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए सी। तो ये लंगर साहब जो गुरद्वारा साहब आ जी, ये स्थान भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा निधान सिंह जी तो आप प्रगट करवाया सी। जी आप रोड हुण जा रहे हैं जी, ये सीधा हजूर साहब नूं जांदी आ, जिहड़ा कि सचखंड तख्त सचखंड श्री हजूर साहब आ जी। तो आप लंगर साहब तो चले हाँ जी, तो इतों 200 मीटर की दूरी पर आ, तो सीधी सड़क जाती है जी ये। तो आले दुआले बाजार लग्या होया, थोड़ा बहुत आ पानी की छबील लगी हुई सी, 24 घंटे की सेवा चलती है जी पानी की छबील की। तो हुण सीधा थोनों ले जा के आप गुरद्वारा साहब के दर्शन करवाने, उस तो बाद फिर थोनों आप बाजार का झाका मरवावे, जिहड़ा कि लंगर साहब तो लैके गुरद्वारा हजूर साहब तक बनया होया जी। मेन बाजार रौनक मेला इत्थे वधिया हुंदा, तो सारा थोनों दसांगे इत्थे की होर बढ़िया पंजाब दीआं संगतां ने इत्थों पंजाब नूं जिहड़ी चीज़ आपां नूं इत्थे सस्ती मिलदी आ लैके जांदियां ने। सारा नारियल का तेल हो गया जां मसाले हो गए, हैं अपने दाखां बदाम लैचियां जिहड़ी चीज़ संगत इत्थों लैके जांदी सारी थोनों दिखावांगे। ते रेट वाहगुरु जी का खालसा, श्री वाहगुरु जी की फतेह जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सरबत साध संगत के चरणों में बेनती है, गुरु साहब की कृपा के नाल दो तीन चार की बरसी आ रही है अगस्त की, सब संगत चरणों बेनती पूरे विश्व के पूरे इंडिया के पूरे महाराष्ट्र के बेनती है दल पंथा वालों भी कृपा करके सारे उन्होंने बरसियों के उत्ते हाजरिया भर के अपना जीवन सफला करो। सारे आओ चढ़ती कला के आप सचखंड हजूर साहब अकाल पुरख परमेश्वर के चरणों की शोभा वधाइए। वाहिगुरु जी का खालसा चंगा पाशु चलिए। सो बाबा जी उत्तराखंड तो आए हुए थे, इन्होंने बरसी के उपर पहुँचने की समूह संगत को अपील की, सो पहुँचना जरूर जी। तरीक बाबा जी ने दस ही दी, तो हुण आप बिल्कुल ड्योढ़ी साहब के बाहर खड़े सी, तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नंदेड़। जिवें पहला आपां तुहानूं कहा सी कि दसांगे इस वीडियो के कि हजूर साहिब क्यों कहिंदे आ, तो नंदेड़ साहिब भी कहिंदे हैगे। जिहड़े इधर लोकल आ उह नंदेड़ साहिब कहिंदे आ, क्योंकि जिहड़ी लोकेशन दे अकॉर्डिंग। तो हजूर साहिब इसलिए आपां कहा जांदा क्योंकि गुरु साहिब नूं आपां हमेशा ही हाजर नाजर जाणदे आं इत्थे, जिन्ना कु सानूं ज्ञान है। जेकर तुहाडे कोल कोई होर इनफॉर्मेशन आ तां तुसीं जरूर सांझी करो। तख्त साहब के बिल्कुल सामने दर्शन कर रहे हो तुसीं, इधर ड्योढ़ी साहब के विचों यही उह स्थान है जिथे गुरु साहब जी ने जदों गुरु साहब जी बहादुर शाह नूं उहदा तख्त दिल्ली का तख्त दवाउण तों बाद, क्योंकि उत्थे गुरु साहब जी ने एक बचन मंगया सी, जिवें आपां बघौर साहिब इतिहास की सांझ पाई सी कि तैनूं एक बचन पवाउणा पऊगा साडा, तैनूं असीं तख्त दवा देंगे। तख्त दवाउण तों बाद गुरु साहब जी ने जो मेरे कोल किताब सिख इतिहास है भाषा विभाग की, उहदे विच कहा जांदा कि 17 बंदिआं दी जिहड़ी लिस्ट आ उह दित्ती सी, जिहदे विच सूबा सरहद भी शामिल सी, होर भी उहदी जिहड़ी मैं जिन्नी मेरे कोल है उह डिस्क्रिप्शन दे विच नाम मैनशन कर दूंगा, तां थल्ले भी एक थोनों एक स्लाइड ला दूंगा नावां दी। उह 17 बंदे मंगे सी, तां इस तों बाद जिहड़ा
बहादुर शाह से टाल मटोले जो कर लगता तो गुरु साहब फिर उतों इधर दक्षण देश वाल रवाना हो जाते तो फिर वह बहादुर शाह भी नाल आता किमें फिर वह बहादुर शाह गुरु साहब जी ने हीरा भेट करता वो आप गुरद्वारा हीर नगीना भेट साहब चल के इतिहास की पावे सांझ। सो इस वीडियो के आज आप तख्त साहब के दर्शन कराने नाल आप सरवण करते हैं इतिहास। बिल्कुल सामने हूँ तुम दर्शन कर रहे हो तख्त श्री हजूर साहब जी दे 1708 ईस्वी में धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद साहब जी पातशाह जो पंजाब तो चल के दक्षण वल नूं आउंदे दिल्ली होंदे हुए बहादुर शाह नूं तख्त दवा के इस स्थान नंदेड़ के उपर पहुँचते हैं तो 1708 नूं इस स्थान के उपर ज्योति जोत समाउंदे ने ते इतिहास दे विच लिखा हुआ इधर इतिहास का बोर्ड भी है कि गुरु साहब जी ने गुरुद्वारा नगीना घाट साहब जी तो आने वाली वीडियो उस गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवावे। गुरु साहब जी ने उतों तीर चला के इस स्थान को प्रगट किया सी ते नाल कहा भी सी कि साडियां इस स्थान को खुदाई करोंगे तो जिहड़ियां निशानियां वो मिलनगियां तो वो उतों ही गुरु साहब जी ने जिहड़ियां निशानियां निकलदियां ने। इधर इतिहास का बोर्ड भी लिखा तो कहा जाता है कि गुरु साहब अपने जिहड़े हर एक सिख नूं 60 साल की उम्र तक इत्थे उहदी उड़ीक करदे ने। ते आजो आपां इतिहास का संखेप इतिहास का बोर्ड पढ़ लीए। हाँ लिखा हुआ है कि इतिहास तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नंदेड़ कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने लासानी जीवन दियां अंतम घड़ियां इस नाल संबंधित एक पवित्र स्थान है जी। सिख पंथ के चार तख्त साहिबान श्रोमणी तख्त स्थान है जी। पंजा तख्तों के एक तख्त है। दशम पिता जी के पावन बचन हैं कि मैं इत्थे अपने हर सिख की 60 साल की आयु तक यानी कि उम्र तक उड़ीक करता हाँ। अपने पूजनिक पिता जी माता जी ते चार साहबजादों नूं देश कौम धर्म की खातर कुरबान करन उपरंत औरंगजेब के वड्डे लड़के बहादुर शाह नूं दिल्ली दे तख्त बख्शिश करके संगतां नूं तारदे हुए दशमेश पिता जी इस नंदेड़ की धरती ते पहुँचे। गुरु जी ने अनेकां कौतक वरताए ते उपकार दे कारज कीते। गुरद्वारा नगीना घाट साहब के पावन स्थान तो तीर चला के अपना सतयुगी तप स्थान प्रगट किया। सूबा सरहद के वजीर खां दे भेजे कातलों के खूनी हमले उपरंत जदों आप जी सचखंड गमन की तैयारी की तो सिख संगत अति व्याकुल हो गई। व्याकुल हुई संगत ने पूछा दतार पिता जी हो सानू किस दे आसरे छड़ के चले हो साडी रहनुमाई हुण इत्थे कौन करूगा। तां गुरु जी ने फरमाया असी तुहानू तुरकी बाणी आई शब्द गुरु दे लड़ ला चले हाँ जिस तो तुहानू हमेशा लिए अध्यात्मक अगवाई की बख्शिश होंगी रहेगी। 8 अक्टूबर 1708 लिखा गया जी। ईस्वी के दिन आप जी 5 पैसे नारियल गुरु ग्रंथ साहब जी के अगे रख के मत्था टेकया सरदा सहित परिक्रमा लिया दीवान बैठ बैठिया संगतों को मुखातिब हो के फरमाया आग्या भई अकाल की तबा चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह जो प्रभु को मिलवो चाहे कुछ शब्द की ले। तो इस हुक्मनामे उपरंत गुरु साहब जी ने सरबत खालसा जी ने वचन किया कि इस पावन धरती का नाम अज तो अब श्री अबचल नगर होया है। सो इस तरह अज का भी आप पढ़ते हैं हजूर साहब का नाम तो ही जरा संपूर्ण नाम तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब नंदेड़ कहा जाता है। सो ये मैं सानू तीन चीज़ों की डेफिनेशन आप पहले स्टार्टिंग की गल की कि संखेप के आप इस चीज़ का जोड़ा वो वर्णन करांगे। सो इस अवसर के जकारे के जाए गए अतुट प्रसाद से लंगर समूह संगत में वरताया गया। कत्तक सुदी पंचमी वाले दिन भारी दीवान सजा जिस रागियां दे अति प्यार नाल तुरकी बाणी आई बैरागमय कीर्तन गाया गया उपरंत अतुट लंगर वरताया गया। दूरों दूरों आई संगत ने गुरु जी के नूरानी दीदार करके अमृतमई वचन सुन के चेहरे हिरदे वसाए अपना जन्म सकार किया। गुरु जी ने एक बड़ी चंदन की चिखा तैयार करके आस पास सुंदर कताना धनवा दित्तियां ते वचन किया कि अज असी सचखंड गमन का कौतक करना है। डेढ़ पहर रात रहिंदी समा होया तां गुरु जी ने हुक्म दिता कि तुसी निर्वाण कीर्तन की झड़ी लगाए रखनी अते अंदर झाती नहीं मारनी। जदों गुरु जी ने संपूर्ण शस्त्र वस्त्र सजा के अरदासा सोध्या खालसे जी नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह गजाई अते कनात अंदर प्रवेश कर गए। इस उपरंत हर हर जंदूई एक है बिब विचार कशना है जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिकै समाहे। गुरवाका अनुसार परम पुरख दे दास जगत तमाशा वेखन उपरंत बचित्र नाटक खेडते हुए सतगुरु जी ज्योति जोत समाउंदे सचखंड साहब गमन कर गए। तख्त साहब की जिहड़ी तख्त साहब की पहला इत्थे जिहड़ा कोई तख्त साहब वड्डा स्थान नहीं सी कहा जांदा है कि
तख्त साहब जी जी सेवा गई महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपार धन लगा के की सी ते नाल जेड़ा हैदराबाद के दीवान चंदूलाल महाराजा साहब के नाल ही आप कह दी भी उन्होंने मदद की सी उन्हां दे नाल ही सेवा करवाई सी इस स्थान की। एक धारना यह भी कही जाती कि जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने गुरुद्वारा साहब की सेवा करवाने बारे सोचा सी तां उन्होंने कहा कि इत्थे 10 मंजिली जी इमारत बनूगी तो उस समय जो पुजारी से उन्होंने गुरु कहा कि गुरु साहब जी की इच्छा से कि इतने कोई स्थान है वह नहीं बन बनूगा तो जोड़ा भी बना की कोशिश करूँगा तो वह जो सर्वनाश हो जूगा इतिहास के मैं बोर्ड से सूँ यह गल लिखी भी पढ़ा दें इतने लिखा गया है। प्रगटाई तो पुजारियों ने कहा दसम पातशाह जी ने सतखंड गमन करते समय कहा कि साडा अंतिम स्थान कोई ना बनावे जिहड़ा बनाएगा उसका स्वर्गवास होगा उसका वंश नहीं रहेगा। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने उत्तर दिता से भावें मेरा वंश ना रहे मेरा गुरसिख होने के नाते यह फर्ज बनता है कि मैं अपने जिहड़े गुरु के स्थानों की जिन्नी सेवा हो सकता हाँ उन्नी करवावां। तां इह तों फिर अगले साल ही महाराजा रणजीत सिंह जी जिहड़े उह इस लोक की यात्रा करते हुए परलोक नूं सुधार जांदे हन ते फिर सचखंड साहब जी जिहड़े क्योंकि जिहड़े मिस्त्री वगैरह होंदे हन कारीगर होंदे हन क्योंकि उन्होंने बहुत जिहड़े उच्चे कारीगर भेजे सन स्थान नूं बनाउण लई ते फिर इस तों बाद उन्हां दी चढ़ाई करन तों बाद उत्थे ही कम रोक दित्ता जांदा है ते जिहड़े उह वापस पंजाब नूं चले जांदे हन। सो बहुत ही सुंदर इमारत सचखंड साहब जी की सेवा महाराजा रणजीत सिंह जी ने करवाई है सामने हम तुसीं दर्शन कर रहे हो ये स्थान का इतिहास जो आपां सरवण किया है दसम पातशाह जी ने नगीना घाट साहब तो तीर मार के इस स्थान नूं जिहड़ा प्रगट किया सी अज आपां तुहानूं दर्शन करवा दिए। सो इतिहास की सांझ आपां तुहाडे नाल पहला पा दित्ती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना आखिरी समां बतीत किया इस स्थान पर जे मैं दस्सां मैं तुहानूं कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस स्थान की जिहड़ी सेवा करवाई सी ते नाल उन्हां दी जिहड़ी नाभा ते जींद रियासत कहते कि उन्होंने भी अपना तिलफुल हिस्सा पाया सी ते अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है सो आप अंदर दे माफी चाहना तुहानूं दर्शन नहीं करवा सकांगे आओ दर्शन करके जाओ चलो आज आप तुहानूं दर्शन करवा दिए गुरुद्वारा बारहवें दरबार साहब के दर्शन करवावांगे आप तुहानूं ते बाकी जिहड़े आस पास स्थान ने इतिहासिक स्थान ने उन्हां दे भी तुसीं आने वाली वीडियोज़ के दर्शन करोगे सो जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। अज आप पहला तुहानूं दरबार साहब के दर्शन करवा दिए। तख्त साहब के हम तुम आप दर्शन करवा दिए तख्त साहब के दर्शन करने तो उपरंत नाल ही इधर स्थान बनया हुआ है जी माई भाग कौर जी का जिन्हों आप माई भागो के नाम के नाल भी जानते हैं अस्थान बुंगा जी सामने बिल्कुल दर्शन कर रहे हो भाई दया सिंह जी तो भाई धर्म सिंह जी। हाँ तख्त साहब की परिक्रमा के जो तुम जेकर सीधा आना तो सज्जे पासे आओ सामने पौड़ियाँ उतरदिया ने गुरद्वारा साहब न भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी अस्थान माई बुंगा भागो जी उन्होंने याद के गुरद्वारा साहब सुशोभित है माई भाग कौर जी जदों गुरु साहब मुक्तसर साहब पहुँचते हैं खिदराने की ढाल से लड़ाई होंगी है तो 40 मुक्तियां जेड़े उत्थे 40 जेड़े सिंह होंदे ने उन्होंने मुक्त करते बेदावा पाड़ते हैं गुरु साहब जी तो उत्थे 40 सिंह शहीद होंदे हैं तो उन्होंने जेड़े शस्त्र है माई भाग कौर जी वह लेके आते हैं इतने उस शस्त्र भी ने अज आप दर्शन करवा दें जी। यह तप स्थान है जी माई भाग कौर जी के सामने शस्त्र पे ने ते इधर बिल्कुल सज्जे हाथ जेकर तुसी देखिए तो जेड़े शस्त्र माई भाग कौर जी खिदराने की ढाब तो जो गुरु साहब जी के नाल चलते हुए इतने लैके आए थे गुरु साहब दक्षण वाल आते ये सारे उन्हां 40 जेड़े सिंह सीगे 40 मुक्ति जिन्होंने आप कह दें उन्हां दे जेड़े शस्त्र आ गए जो माई भाग कौर जी इतने खिदराने की ढाब तो लैके दरबार साहब के बिल्कुल बिच ही अंगीठा साहब प्यारे भाई दया सिंह जी प्यारे भाई धर्म सिंह जी इधर अंगीठा साहब के दर्शन कर रहे हैं।
स्थानों के दर्शन करने तो उपरंत आपां इतिहासिक बौली के दर्शन कराने नाल इतिहास भी सरवण करवाने। जो ड्योढ़ी साहब तो तुसी दरबार साहब वाल दाखिल होंदे हो सीधा सामने दरबार साहब के आप दर्शन करते हैं तो इधर बिल्कुल खब्बे हाथ बौली आ जिहदी खुदाई महाराजा रणजीत सिंह जी ने करवाई सी। इतिहास इत्थे लिखा है कि जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने यह पता लग्या कि हजूर साहब नदेड़ की पावन धरती जिथे सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद साहब जी महाराज जी ने अंतम समा बतीत किया 1708 ईस्वी में सचखंड गमन किया उत्थे कोई बड़ा यादगारी स्थान नहीं है तो उन्होंने भाई शायद चंदा जी लिखा हुआ क्योंकि थोड़ा जिहा अखर मिटा है चंदा जी ने विशेष तौर पर बड़ा गुरुद्वारा साहब उसार करने लिए बेअंत माया देकर लाहौर तो इतने भेजा सी। उस समय इतने जी पानी की काफ़ी कमी सी क्योंकि जेडे स्थान आ सारे गोदावरी नदी बिल्कुल नाल वगदे गुरु साहब जदों उधरों आउंदे भी ने दिल्ली तो गोदावरी दे नाल नाल चलदे आए सी। गोदावरी नदी के बिल्कुल जिन्ने इतिहासिक स्थान भी ने वह भी बिल्कुल कंडे ते वसे हुए जिन्हां दे आपां तुहानूं अगली वीडियोज़ दे विच दर्शन करवावांगे। तां फिर रणजीत सिंह जी ने इत्थे जिहड़ी आ इह एक बौली की जी सारी खुदाई करवाई सी ताकि पानी दे विच कोई दिक्कत ना आवे। तो कहा जाता है कि हुण भी जो सवेरे गागर साहब की सेवा होंदी तां गागर उत्थों बहुत गोदावरी नदी चों भर के लियांदी जांदी है सेवा लई उहदी भी आपां तुहानूं कल दी वीडियो दे विच दर्शन करवावांगे जां परसों दी वीडियो मे भी एक दिन वीडियो डिले हो जाए तो दर्शन करवांगे। तो एक बौल एक जी गागरा वह इत्थों भरी जाती है हाँ तो बहुत ही खुला तो रमणीक स्थान है। उस समय गुरु साहब जी ने जिहड़ा ये स्थान है उस समय क्योंकि मुसलमानों की जी इमानत सी स्थान जो गुरु साहब जी ने प्रगट किया तीर के नाल मुसलमानों तो यह खरीदया से। इधर सामने बिल्कुल लंगर हाल है जी तख्त साहब के आप दर्शन करवा दते ने जी नाले आप इतिहास की सांझ तो हूँ आप इतने बाजार का थोड़ा जहा व्यू दिखा दें क्योंकि अपने जी पंजाब के उपरों पंजाब तो संगत आँदी हैगी बहुत चीज़ा लैके जाती है इतों जिमें मसाले हो गए चाहे तेल हो गया नारियल का तेल वो बहुत चीज़ें जी जी चीज़ा लैके जाते की फर्क है क्यों लैके जाते आप बाजार के चल के तुहाडे नाल पाउने आ सांझ। सो जुड़े रहो वीडियो के नाल मीह आ गया एक बार मीह शांत होने तों बाद हुण आप तुरांगे। सो ये हुण तख्त साहब के दर्शन करने तो बाद आपां बाहर बाजार च आ गए सी ते साइलेंट सिटी बैटर सिटी हॉर्न इत्थे बिल्कुल नहीं मारते क्योंकि हॉर्न तो बंद किया क्योंकि साइल बहुत ही शांतिपूर्ण पूर्वक जहाँ माहौल है तो ऐं तुहानूं नारियल वालियां रेहड़ियां जां फल फ्रूट वालियां रेहड़ियां इत्थे वधिया मिलदियां ने सस्तियां चीज़ां ते आ तेल तूल नारियल तेल भी लोग इत्थों बहुत लैके आते हैं क्योंकि सस्ता इत्थे पंजाब नाल तो वधिया मिलदा मसाले भी सस्ते हैगे मसाले हल्दी हुल्दी सारा कुछ इत्थों लैके जांदे आ अपने ते बाकी आप बाजार का माहौल सुनू अगे चल के दिखाने अगे बाकी मीह आ गया बदल काफ़ी घुल गए। जो तुम इतने आने हो तो तुम जिमें अभी पहला 13-14 दिन का जो सफ़र वो तय करके आए हैं ना पिछे सानू लगता रहा कि भी पंजाब तो दूर हाँ पर जो तुम इतने पहुँचते हो तो सूँ यह फील नहीं होंगे इतने कि पंजाब चो है अद्धा पंजाब भी लगभग सूँ यह बाजार के आके पूरी पंजाब वाली फील हो क्योंकि जिमें अपने उत्थे गुरु घर के बाहर ककार वालिया दुकाना होंगे या फिर शस्त्र जिम्मे शस्त्र आ गए या साजा वालिया जिमें अपने कई बार ढोलियां ढूलियां ले आए यादगिरी वजो वो भी सारिया दुकाना इतने उ दुकाना ने इतने कोई बाकी होर एक्सट्रा दुकाना नहीं है परली साइड जो तो इधर कोई खाने पीने वाली पहला सूँ दुकान नहीं मिलेगी जो तुम आ सड़क क्रॉस कर जाएंगे ये तो बाद अगे खाने पीने वाली दुकाना शुरू हो जाए जिमें बिला गया इतने परौठे वाला दुध वाला सॉरी वो मशहूर आ परौठे तो दुध वधिया होंदा कढ़नी वाला दुध कढ़िया होया तो इतों ऐ अपने फिर माइया मसाले लैके आते हैं काफ़ी लैके आते हैं मसाले क्योंकि हल्दी हुल्दी सारे मसाले इतने तकरीबन सस्ते आए हूँ असं मसाले वाली दुकान तो बहरों तुहानूं व्यू दिखा रहे हैं। सो यही सी जी अज की वीडियो के आप तख्त साहब के दर्शन करवाए है गए तो नाल आप इतिहास की पाई है सांझ तो हूँ अगली आने वाली वीडियोज़ के आप जे इतों के होर स्थान ने जिमें गुरद्वारा नगीना घर साहब आदि होर स्थान ने बाकी सारे स्थानों के दर्शन करावे नरसी भी आप इतों जावे तो गुरद्वारा नानक झीरा साहब जी भी आने वाली वीडियोज़ के दर्शन करवावे। सो जुड़े रहो यूट्यूब चैनल के नाल कीप सपोर्टिंग सपोर्ट करते रहो वीडियो में बहुत बहुत शेयर करो ताकि होर तक वीडियो पहुँचा करे तो अपने नाल होर नवी तो नवी जी अपना काफिला गा वो बढ़ता जाए। सो तुहाडी सपोर्ट आ तो हुण आने वाली वीडियोज़ आप होर वधिया तो वधिया वीडियो पेश करन दी कोशिश करांगे। कई बार इंटरनेट या फिर कल जिवें यूट्यूब का इशू आ रहा है उन्होंने फाइल पूरी करप्ट मारती तो उहदे करके वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। सो अज यह वीडियो आ रही है शेयर वध तों वध करियो ताकि होर भी अपने नाल नवीं संगत जुड़े। तो अज दी वीडियो सी कल तक लई दिओ इजाजत सत श्री अकाल जी।